भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान विष्णु ने भगवान कृष्ण के रूप में धरती पर आठवां अवतार लिया था। भगवान स्वयं इस दिन पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, इसीलिए इस दिन को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन मंदिरों में झांकियां सजाई जाती हैं और भगवान कृष्ण को झूला झुलाने की परंपरा भी है। व्रत के दिन सुबह स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद जल फल कुश और गंध लेकर संकल्प करें। मम खिल पाप प्रश्मन पूर्वक सर्व अभिष्ट सिद्धये श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत महम करिष्ये। इसके बाद विधि विधान से पूजन करें। हर माँ नंदलाला के पुत्र श्री कृष्ण की तरह सुंदर और गुणवान संतान की कामना करती है। कान्हा जी के मोहक रूप को देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। ऐसे में अगर आप भी कान्हा जी की तरह ही सुंदर और गुणवान संतान की कामना करते हैं तो जन्माष्टमी पर किए कुछ खास उपाय बेहद कारगर साबित हो सकते हैं। साथ ही वो लड्डू गोपाल की तरह सुंदर और गुणी भी होगा। पॉइंट नंबर 1, जन्माष्टमी के दिन किए गए उपायों से दिव्य और गुणवान संतान की प्राप्ति की इच्छा पूरी होती है। जो महिलाएं कान्हा जी की तरह गुणवान पुत्र पाना चाहती हैं, उन्हें जन्माष्टमी की रात को संतान गोपाल मंत्र ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लौम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मैतन्यम कृष्ण त्वामहम शरणम गत कहा 108 बार जाप करना चाहिए। ऐसा करने से आपका होने वाला बच्चा बुद्धिमान होगा। पॉइंट नंबर 2, हर कोई चाहता है कि उसके संतान स्वस्थ और सुंदर हो, लेकिन कुछ नकारात्मक प्रभाव के चलते उनकी ये मनोकामना पूरी नहीं हो पाती है। इस समस्या को दूर करने के लिए कृष्ण जन्म के समय उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाएं और झूला झुलाएं। जन्माष्टमी से लगातार 21 दिनों तक लड्डू गोपाल की पूजा करने से भी संतान प्राप्ति में आ रही दिक्कतें दूर हो जाती हैं। पॉइंट नंबर 3, बुद्धिमान और आकर्षक संतान पाने की इच्छा रखने वालों को जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी को झूला झुलाना चाहिए। इस दौरान उन्हें कृष्ण जी का ध्यान करना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, गुणवान संतान प्राप्ति के लिए जन्माष्टमी के दिन नंदलाला को लड्डुओं का भोग लगाएं। अब इसके प्रसाद को गर्भवती स्त्री को खिलाएं। पॉइंट नंबर 5, अगर किसी महिला की कोख सूनी है तो उन्हें जन्माष्टमी के दिन राधा सहस्त्र नाम गोपाल सहस्त्र नाम एवं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। पाठ शुरू करने से पहले महिला अपने हाथ में गंगा जल लेकर संतान प्राप्ति की कामना का संकल्प लें। पॉइंट नंबर 6, धन प्राप्ति एवं मनोकामना की पूर्ति के लिए इस जन्माष्टमी लड्डू गोपाल जी को धनिये की पंजरी का भोग लगाएं। साथ ही कृष्ण यंत्र की पूजा करें। ऐसा करने से नंदलाला आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। पॉइंट नंबर 7, जन्माष्टमी के दिन जड़ वाले खीरे को काटकर श्री कृष्ण का जन्म कराएं। अब इस खीरे को गर्भवती महिला प्रसाद के तौर पर अगले दिन खाएं। इससे गुणवान संतान की प्राप्ति होती है। पॉइंट नंबर 8, परिवार में शांति का माहौल बनाए रखने एवं उन्नति के लिए कृष्ण जन्मोत्सव के समय बाल गोपाल को काले तिल चढ़ाएं। साथ ही उनका अभिषेक जड़ी बूटियों वाले जल से कराएं। ऐसा करने से परिवार के सदस्य स्वस्थ रहेंगे। पॉइंट नंबर 9, मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए श्री कृष्ण को एक जटा वाला नारियल और 11 बादाम चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके हर काम सिद्ध होंगे। पुत्र प्राप्ति की कामना करने वाले को जन्माष्टमी के दिन विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से बाल गोपाल आपके सारे दुख हर लेंगे। पॉइंट नंबर 10, भगवान कृष्ण को पीताम्बरधारी भी कहते हैं, इसलिए जन्माष्टमी को लड्डू गोपाल को पीले वस्त्र पहनाने एवं श्री कृष्ण के मंदिर में पीले कपड़े भेंट करने से नंदलाला की आप पर कृपा होगी। इससे घर में सुख संपत्ति के साथ खुशहाली आएगी।
आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई मेरी वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद।